हे एवरीवन, तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं सिर्फ एक कप पोहे से और एक कच्चे आलू से बहुत ही टेस्टी हेल्दी न्यू रेसिपी, जिससे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम तेल में यह बनाकर रेडी कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होता है फ्रेंड्स। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए इसे हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कप पोहा मैंने लिया है और ये मीडियम साइज का पोहा है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे पोहा। तो पोहा को इसमें हम डाल करके हमें ग्राइंड कर लेना है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फाइन सा पाउडर बन के रेडी हो गया है। तो उसी में हम क्या करेंगे, एक कच्चे आलू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे कट करके इसमें डाल देंगे और उसी के साथ हम फिर से ग्राइंड कर लेंगे। तो आपको यहाँ पे छोटा छोटा पीसेस में कट कर लेना है इस तरीके से। और उसके बाद सभी आलू को हम इसी तरीके से कट करके उसके बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। और इसमें आपको पानी थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा आपको नहीं डालना है, इसमें आलू में ऑलरेडी पानी रहता है। तो चलिए इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ग्राइंड कर ली हूँ, उसके बाद इसको हम साइड पर रख देंगे और एक यहाँ पर बाउल ले लेंगे और इसमें हम डाल देंगे जो मैं ग्राइंड की थी। तो अच्छे से आपको यहाँ पे निकाल लेना है। और ये वेटर हमें थोड़ा सा सूखा दिख रहा है, तो इसमें हम पानी बाद में ऐड करेंगे। तो चलिए इसे हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम एक पैन ले लिए हैं और यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ 2 चम्मच के करीब। और उसके बाद अच्छे से हम गर्म कर लेंगे। और गरम करने के बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 हरी मिर्च बारीक काट करके इसमें हम डाल देंगे। और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे कच्चा जीरा ऐड कर लेंगे और आपको यहाँ पे लो फ्लेम करना है। और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम डाल रहे हैं ब्लैक वाला जो सरसों होता है वो, यानी राई। तो तीनों को हम अच्छे से भून लेंगे। और 1 चम्मच करीब यहाँ पर मैं सफ़ेद वाला जो तिल होता है ना वो हम डाल रहे हैं। आपके पास ब्राउन वाला हो वो भी आप डाल सकते हैं तिल। तो सभी को हम अच्छे से यहाँ पर भून लेंगे और ये अच्छे से बहुत ही अच्छे से भुना चुका है फ्रेंड्स। उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे एक कप के करीब, ज़्यादा आपको पानी यहाँ नहीं डालना है। तो अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टमाटर। तो टमाटर एक हम डाल रहे हैं बारीक काट करके आपको डालना है और इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। आपको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे नमक। तो स्वाद अनुसार आपको यहाँ पे नमक डाल करके अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे चिली फ्लेक्स। तो आधी छोटी चम्मच यहाँ पे हम चिली फ्लेक्स डाले हैं और हरा धनिया डाल देंगे उसी के साथ। तो मसाले में आपको जो पसंद हो वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, बट मैं मसाले बिल्कुल नहीं डाली हूँ और बहुत ही सिंपल मैं बताई हूँ फ्रेंड्स। तो सभी को हम अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स ये अच्छे उबाल आ चुका है इसमें, तो इसमें हम डाल देंगे जो सूजी और आलू को मैं ग्राइंड की थी ना वो हम डाल देंगे। और डालने के बाद यहाँ पे आपको लो फ्लेम कर देना है और उसके बाद आपको लगातार चलाते जाना है। ये जब तक चलाना है तब तक ये मतलब डो के फॉर्म में ना आ जाए, और बहुत ही जल्दी ये डो के फॉर्म में आ जाता है। तो इसी तरीके से हम चलाते जाएंगे और यहाँ पे हम हाई फ्लेम कर देंगे ताकि ये अच्छे से एक डो के फॉर्म में आ जाए। और ये भी बिल्कुल पैन में नहीं चिपकता है, जैसे जैसे ये डो के फॉर्म में आएगा ना ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। तो इसी तरीके से हम चलाते जाएंगे और आप देख सकते हैं धीरे धीरे एक डो के फॉर्म में आना शुरू हो चुका है। तो इसी तरीके से हम चला लेंगे फ्रेंड्स और इसमें से बहुत ही प्यारा सा खुशबू आने लग गया है। तो उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डो के फॉर्म में आ गया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। थोड़ा सा हम और पका लेंगे इसको और थोड़ा सा हम और अच्छे से चला लेंगे इसको। तो यहाँ पे रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम एक चकला ले लेंगे और चकला में हम क्या करेंगे, हल्का ऑयल लगा लेंगे ताकि हम इसमें डालें तो ये चिपके नहीं। और ये इसको क्या करना है, अच्छे से आपको ठंडा कर लेना है। तो आपको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, थोड़ा हल्का गर्म ही रहने देना है। और इस स्पैचुला की मदद से हम सभी अच्छे से हम इसको फैला देंगे एक चकले पे और बराबर से हम इसको फैला देंगे, आप देख सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक कटोरी ले लेंगे, कटोरी या गिलास जो भी हो आपके पास, इस तरीके से कटिंग कर लेना है। या आपके पास कटर हो उससे भी आप कटर से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कटिंग की हूँ एक छोटा सा कटोरी से, और कटिंग करने से ना बहुत ही अच्छे से सेव आ जाता है एक बराबर से। तो ये बिल्कुल बहुत ही प्यारा सा ये कटिंग हो गया है। तो एक एक करके हम सभी को प्लेट में निकाल लेंगे और उसके बाद बाकी का भी इसी तरीके से हम कटिंग कर लेंगे नाश्ते को, और उसके बाद हम फ्राई करेंगे। तो एक एक करके हम सभी नाश्ते को फ्राई कट करके उसके बाद फ्राई कर लेंगे। तो
यहाँ पे मैं पैन में पहले ही तेल गर्म होने के लिए रख दी थी और ये अच्छे से गर्म हो गया है। और जितना है उतना आप यहाँ पे आपको डाल सकते हैं नाश्ते को, और एक एक करके हम पलट लेंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको डालने के बाद तुरंत पलटना नहीं है, 1 से 2 मिनट हो जाए उसके बाद आप पलट लेना है। तो इसी तरीके से हम पलट लेंगे और यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो दोनों साइड से हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गया है। बस 1 से 2 मिनट के लिए हम और पका लेंगे। तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गया है, उसके बाद हम एक प्लेट में निकालेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सा नाश्ता बन के रेडी हो गया है। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्व की हूँ सॉस के साथ, आप चाहें तो हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी सा लगता है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी, इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आया है और बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।